जी, हमारे पास इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। सबसे पहला है, एज वी मूव अप अ बॉडी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी या इन्फिनिटी होगी। देखें, क्योंकि एनर्जी का गेन हो रहा है, जैसे जैसे आप एक हाइट, अगर आप 1 मीटर हाइट के ऊपर हैं तो एनर्जी कम होगी, अगर 2 पे जाएंगे तो एनर्जी में इजाफा हुआ है। अगर एनर्जी में इजाफा होगा, डेफिनेटली उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है, तो एनर्जी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी। एक तो इस रिलेशन, इस सेंस से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा है कि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है mgh के। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर मास भी जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट होता है और जी भी कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप हाइट बढ़ा रहे हैं, एच की वैल्यू में इजाफा हो रहा है। एच पॉजिटिव है तो आपकी जो एनर्जी होगी वो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो पहले वाले का जो आंसर है वो आपके पास पॉजिटिव है। उसके बाद है जी, ये बॉडी एट रेस्ट में है। जब एक बॉडी रेस्ट में होती है, क्या उसमें कोई स्पीड होती है? नहीं। उसकी वेलोसिटी होती है? नहीं। जब वेलोसिटी नहीं होगी तो मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन उसमें एनर्जी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो बॉडी रेस्ट में है वो अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ी हो, वो एक छत के ऊपर भी हो सकती है। उस हाइट से आप गिराएंगे तो डेफिनेटली वो अपने अंदर जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई है वो उसका इजहार करेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, यानी आपने बताना है इनमें जो ये आपके पास नीचे पेयर बने हुए हैं, इनकी जो डायमेंशन है वो आइडेंटिकल नहीं है। मोमेंटम एंड इम्पल्स, आपको पता है चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है। बेसिकली मोमेंटम और इम्पल्स एक ही क्वांटिटी है, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। इनर्जी एंड वर्क, दोनों की डायमेंशन एक जैसी होंगी, क्योंकि इनर्जी ही वर्क है और वर्क ही इनर्जी है। कल मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने वहाँ आपको बताया था इनर्जी और टार्क की डायमेंशन एक है। तो ये जो तीनों हैं, यानी ए, बी और डी, ये तीनों जो हैं इनकी डायमेंशन सेम होती है, सिवाय इसके मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपके पास होता है, इनकी डायमेंशन क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। मास जो है वो हमारे पास एम, उसका जो डायमेंशन होती है वो सिर्फ एम होती है, लेकिन इनर्शिया जो है वो आई अल्फा के बराबर होता है, तो डेफिनेटली उसकी जो डायमेंशन है वो आई अल्फा की वजह से एम से ज़्यादा होगी। तो इनकी डायमेंशन मुख्तलिफ होती हैं, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल से समझ आ जाएगी। कहते हैं, बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ पर वी आपके पास 4 है तो इसका स्क्वेयर लेंगे 16 आ जाएगा। 16 को 2 से ज़रब देंगे 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16 जोल रह जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 16 जोल है। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन वही है जो कि हमारे पास स्टार की डायमेंशन है और वर्क की डायमेंशन है। ठीक है, इनर्जी बराबर होती है फोर्स इंटू लेंथ। ठीक है, अब आपके पास फोर्स जो होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी आप उसको कह सकते हैं ml² t^-2। इसकी जो हमारे पास डायमेंशन होगी ml² t^-2, ये फर्स्ट वाली है। ठीक है, इफ़ द वेलोसिटी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी विल बी, आपने क्या करना है, वेलोसिटी को डबल कर लेना है। आपकी काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी को डबल करेंगे, आप वेलोसिटी का फार्मूला बी स्केयर के साथ उसको डबल करेंगे तो 2 का स्केयर आएगा, 2 का स्केयर 4 होता है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाती है। कहते हैं, 2 मीटर टॉल मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ 30 मीटर टॉल टावर राइजेज 1 किलोग्राम मास 0.5 मीटर अबव हिज हेड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द राइज मास विल बी। अभी यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि सबसे पहले वो एक टावर के ऊपर खड़ा है जिसकी हाइट 30 मीटर है ज़मीन से। ठीक है, ज़मीन से 30 मीटर पहले ही वो अबाव है। उसके बाद उसने उसको 0.5 मीटर फिर से अबाव किया, यानी कि 30 मीटर ऑलरेडी अबाव था और 0.5 मीटर उसने उसको मज़ीद ऊपर उठा लिया है। ठीक है, उसके बाद अब उसकी जो टोटल हाइट होगी वो कितनी होगी, 30 मीटर और 0.5 मीटर अबाव हिज हेड, उसके हेड से उसने 0.5 ऊपर उठाया है। 30 मीटर जो टावर है उसकी हाइट है, 2 मीटर उसकी अपनी है, 30 और 2 कितना, 32.5 टोटल हो जाएगी। हमारे पास जो हाइट आ गई है वो है जी 32.5।
ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर एनर्जी है वो अगर हम कहें कि यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट अगर हमारे पास हो, ज़मीन रेफरेंस पॉइंट हो, तो फिर डेफिनेटली डेफिनेटली हम MGH के फार्मूले के अंदर 32.5 लिखेंगे। लेकिन अगर हम ज़मीन के बजाय उस टावर को जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको ही उसका रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो रेफरेंस पॉइंट मानने की वजह से क्या होगा कि उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, अब उसकी एनर्जी जो है वो पहले से क्या होगी, कम होगी, यानी हाइट में कमी आएगी। हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है, दो हो सकते हैं, एक होती है ज़मीन और जो है वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो सकती है, और दूसरा जो है वो आपकी क्या हो सकती है जो